हेलो एंड व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो गाइज, आज फिर से हम बात करने वाले हैं पारस ऑफिशियल को लेके, क्योंकि कल उन पे अटैक हुआ था। तो अभी उनकी क्या कंडीशन है, अभी उनके साथ क्या हो रहा है, अभी वो कहाँ हैं, और उनके फैमिली मेम्बर्स मतलब उनकी माँ से क्या स्टेटमेंट आया है अभी, और उनकी अभी हेल्थ कंडीशन कैसी। और ये भी बताने वाला हूँ कि ये जो अटैक हुआ उन पे, उनके पीछे किसका हाथ है। सो गाइज, ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो का आगे बढ़ते हैं, और वीडियो को एंड तक जरूर तक देखना। सो गाइज, जैसा कि ये चीज़ तो हम सबको पता है कि कल उन पर अटैक हुआ, और बुरी तरह से अटैक हुआ। और उसके बाद उन्होंने एक वीडियो बनाया, जिसके वजह से उनको काफ़ी सपोर्ट भी मिल रहा है, और उन पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और शुरू में मैंने ट्विटर का फोटो इसलिए डाला क्योंकि मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि उनको सपोर्ट मिल रहा है इस मामले में, कि उनको सपोर्ट कर रहे हैं लोग, उन पर रिट्वीट कर रहे हैं, उनको लेकर, कि उनको हेल्प किया जाए, उनको जस्टिस मिले। ठीक है, सो अभी उनकी हेल्थ पहले से बेहतर है क्योंकि उनके ट्रीटमेंट हुई है। बट उनकी माँ के स्टेटमेंट के हिसाब से उनको और ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था, लेकिन उनके पास अभी उतने पैसे नहीं हैं, और वो ऑलरेडी उधार में है, तो वो उतना ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे हैं। इसलिए पारस ऑफिशियल जो हैं कि अभी अपने घर पे आ चुके हैं, और उन्होंने बताया था कि वो कभी शिफ्ट करने वाले हैं कल। तो अभी कहाँ शिफ्ट हुए हैं ये किसी को नहीं पता, और ये पता रहना भी नहीं चाहिए क्योंकि उन पर दोबारा से अटैक हो सकता है। तो सेफ़ रहने के लिए उन्होंने जगह चेंज करी, ये बहुत सही चीज़ है। जब तक उन पर कोई हेल्प नहीं पहुँचती है पंजाब पुलिस की तरफ से, तब तक वो सेफ़ ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है, सेफ़ ही रहना चाहिए मतलब। और जो बंदों ने गलत किया उनके साथ, उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी उनके सपोर्ट के लिए उनकी फैमिली में कोई नहीं है, सिर्फ उनकी माँ है। और उनकी माँ ने ये भी कहा कि उनकी फैमिली में कमाने वाला सिर्फ वो अकेले हैं, पारस ऑफिशियल, और उनके घर में कोई चारा नहीं है कमाने का, सिर्फ वही कमाते हैं। सो इस हिसाब से उनका ये ओपिनियन था कि उनको जल्दी से इंसाफ मिलना चाहिए। और बात करा जाए तो कि इस चीज़ को किसने करा है, किसने उन पर अटैक करवाया है, तो इस चीज़ को लेके अभी तक कोई सही सबूत नहीं है। बट इस हिसाब से अगर कहा जाए कि पारस ऑफिशियल के हिसाब से, तो उन पर अटैक कराया है डाकू ने, डाकू विलेन करके एक यूट्यूबर, उन्होंने अपनी सारी वीडियोस भी डिलीट कर दी है जो उन्होंने अपने चैनल पर डाली थी। करीब 300 वीडियो थे उनकी, अभी उनके सब्सक्राइबर करीब 10,000 हैं। बट उन्होंने क्यों वीडियो डिलीट की अभी तक किसी को नहीं पता। और वो कल एक बार लाइव स्ट्रीम आए थे, उसके बाद उनका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया, ना अभी पारस ऑफिशियल का अपडेट आया है आज सुबह से कोई। ठीक है, सो यही सीन है। आज और कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर से बता दूंगा। अभी पारस ऑफिशियल की कंडीशन पहले से बेहतर है, और होप करें कि और बेहतर हो जाए, और जिन्होंने इन पे अटैक किया उनको उनकी किए की सज़ा मिले। सो गाइस, यहीं पे मैं वीडियो एंड करता हूँ, और कुछ अगर मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस बारे में तो मैं आप लोगों को ज़रूर से बताऊँगा। और मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ कि किसने अटैक किया, क्योंकि अभी कुछ कन्फर्म नहीं है, क्या पता कोई अलग ही कल्प्रिट हो, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ और इस बारे में। सो यही वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको सबसे पहले अपडेट देने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।